सर, आज की इस वीडियो में बात करने हैं बारबेल के बारे में। मैं आपको बारबेल अपना दिखाता हूँ, बेसिकली ये कैसा है। सो आप देख सकते हो, यहाँ मैंने ये बारबेल परचेज कर रखा है जिस पे कुछ वेट लगा रखे हैं। और इस बारबेल की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी जो थिकनेस है अराउंड 26 mm है, और जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड है और आपको जिम में भी वाली रॉड देखने को मिल जाती है। साथ में बात करें तो इसमें आपको क्लिप मिली हुई है जो कि वेट को होल्ड करेगी, और ये जो मेरे पास वेट है मैं क्लिप ना लगाऊं तो भी बड़े इजीली यहाँ पे होल्ड रहता है, क्योंकि बार की जो थिकनेस है 26 mm है तो वेट गिरता नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिपिंग के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे कट्स दिए गए हैं जिससे इजीली आप ग्रिप कर सकते हो, तो ग्रूव्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं इसमें। अगर बात करें कि कौन सी रॉड आपको होम वर्कआउट के लिए लेनी चाहिए, तो बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि एक रॉड खरीदते हैं जिससे सारी एक्सरसाइज हो सके। तो यहाँ पे आप 5 फीट के साथ जा सकते हो, 6 फीट थोड़ी लंबी हो जाएगी कुछ एक्सरसाइजेस के लिए, लाइक जब आप स्कल क्रशर करते हो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपकी रॉड बहुत लंबी होगी तो बैलेंस नहीं बनेगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, 5 फीट के साथ जा सकते हो। 5 फीट में आप डेडलिफ्ट कर सकते हो, शोल्डर प्रेस कर सकते हो, साथ ही में इससे और भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ बेसिकली जब आप वर्कआउट करते हो तो किस तरह से इसका सीन आएगा। लाइक यहाँ पे मैंने वेट लगा रखा है और आप जब इससे वर्कआउट करोगे तो देखो ये मेरे शोल्डर से कितनी दूर पे है और मैं इजीली यहाँ से अपना वर्कआउट कर सकता हूँ। क्यों लगी ये बारबेल, तो इस बारबेल की जो कॉस्ट थी अराउंड 1100 के अराउंड है, 1000 से 1100 के अराउंड में आपको मिल जाती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे वहाँ से खरीद सकते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले भी एक रॉड मंगाई थी जो कि 3 फीट की थी, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं लगी, इसलिए मैंने ये परचेज़ की 5 फीट पर। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं नेट पर अगर आप देखोगे तो। सो आप इस रॉड के साथ जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।